नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत आज आपसे जिक्र करूंगा मन की बात से जन की बात के साथ साथ में मोदी लीला से लेकर रामलीला की क्रोनोलॉजी। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश के में 30 जनवरी को पहले मामले की कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी और ठीक 30 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक हम याद करें कि मोदी जी की क्या क्या लीलाएं हमको देखने को मिली और वो लीला मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरुआत हुई राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बनवास खत्म कराने की ओर। दूसरा पड़ाव आया अपने अहम चहेते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए 70,000 लोगों का जमवाड़ा। हम न भूले कि 30 जनवरी को कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी भारत में, केरल में, और ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व में कोरोना को महामारी घोषित कर चुका था। बावजूद इसके कि फरवरी में ट्रंप का एक विशाल स्वागत गुजरात में किया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी लीला को समझना पड़ेगा। मोदी लीला वही खत्म नहीं हुई, उसके आगे भी आपने सबने देखा होगा बहुत करीब से कि एक और कवायद चलती रही मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए। और क्या होता है, एक साथ फिर 11 मार्च को आप सब लोगों ने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया राजधानी दिल्ली की सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने व्यक्त नहीं की। और 15 मार्च को मध्य प्रदेश के राज्यपाल घोषणा करते हैं कि तत्काल मध्य प्रदेश की सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करे, और उसकी परिणति यह होती है कि 16 तारीख को राजधानी दिल्ली की सरकार भी 50 से अधिक लोगों के जमवाड़े पर प्रतिबंध लगाती। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक जुगलबंदी का मसला और 23 तारीख को 4 बड़ी घटनाक्रम होते हैं। एक संसद के सत्र का आखिरी दिन होता है सत्र का, दिल्ली विधानसभा में एक दिन के सत्र का आयोजन होता है, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार की विदाई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करते हैं शिवराज सिंह चौहान, और राजधानी दिल्ली में 15 दिसंबर से चल रहा साइन बाग का धरना उजाड़ा जाता है। और इसके आगे का मोदी लीला को हमें समझना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मदद से जो रहन बसेरों में हजारों हजार लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का मामला कहीं आड़े नहीं आता है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों में लाखों की संख्या में लोग एकजुट है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, मकान मालिकों को देने के लिए उनके पास किराया नहीं है, और एक एक कमरे में बसों से बदतर गरीबों को रहने के लिए विवश होना पड़ता है। 6-6, 5-5 मजदूर एक साथ रहते हैं, और रोजी रोटी भी छिन जाए, मकान मालिक को किराया देनदारी हो, और ऊपर से 24 घंटे एक ही कमरे में जो 10x10 का कमरा हो, जरा कल्पना कीजिए कि उस कमरे में कैसे 5-6-4 मजदूर एक साथ 24 घंटे बंद रह सकते हैं बिना किसी सुविधाओं के। और फिर वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं आता है, लेकिन फिर समझना पड़ेगा मोदी लीला को। कर्नाटक में दर्जन भर मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं तो पुलिस उनकी खाल उतार देती है, और जो नगर और महानगरों से पैदल मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर चलते हुए अपने गांव पहुंच रहे हैं, जगह जगह पुलिस कर्मी उनको मुर्गा बनाते हैं, पीटते हैं, और लाठियों से मजदूरों की शरीर से खाल उतारते हैं। यह है मोदी लीला। और अब इन सब चीजों पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि न केवल मोदी सरकार 30 जनवरी के बाद भारत को कोरोना में के चपेट में धकेलने के लिए अग्रसर रही, बल्कि रोक पाने में
आज भी जो दशा खड़ी कर दी गई, आज अपील हो रही है कि मजदूर जहां है वही रहना चाहिए। हम भी मानते हैं हमारी गली में ये लोग रुके हुए हैं, पता नहीं कब तक रह पाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने का अगर ऐसा ही लॉकडाउन रहा और उस स्थिति में इनको तमाम तरह की मदद अगर नहीं पहुंची तो हमारी भी ताकत नहीं होगी कि इनका पलायन हम रोक पाए। और अब एक और क्रोनोलॉजी आ गई, वो है कि एक तरफ मोदी जी लॉकडाउन करते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच करके राम मंदिर के निर्माण के पूजा पाठ करके मूर्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करते हैं, तब लॉकडाउन का उल्लंघन कौन कर रहा होता है? काश मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं, जितना घातक और खतरनाक बताया जा रहा है कोरोना को, इसके क्रोनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। कनिका कपूर के संपर्क में आए सांसद दुष्यंत शर्मा और दुष्यंत शर्मा के संपर्क में आई पूरी सांसद और राष्ट्रपति, और इसके अलावा कनिका शर्मा के संपर्क में आए 500 लोग। अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारत की संसद में एक भी सांसद की जान नहीं गई और कनिका कपूर के संपर्क में आए 500 लोगों में से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। जो कोरोना का मृत्यु दर है वो 1000 में से 1000 लोगों को यदि कोरोना हो जाए तो बमुश्किल मरने वालों का जो दर है वो 0.1% है, जबकि हमारे देश में रोजाना बिना भोजन के भूख से मरने वालों की संख्या 7000 है। अभी देखना रोचक होगा कि भारत का 21 तारीख तक का लॉकडाउन अगर जुलाई तक चलता है तो भारत में भूख से मरने वालों की संख्या में कितना इजाफा होता है ये भी देखना होगा। और जो लोग शहरों से नगर और महानगरों से अपने घरों की तरफ पलायन करते हुए जा रहे हैं, सरकारें कहां कहां पर उनको 15 दिन तक अपने पास छिपाने का ठिकाना बना पाएगी कि नहीं, या वो लोग भी कोरोना को लेकर गांव में पहुंचेंगे और फिर भारत कोरोना की चपेट में आ चुका होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि संसार का इतिहास है, संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति वर्ष 1,70,00,000 होती है। अब कल्पना कीजिए कि रोजाना की मृत्यु दर क्या होती होगी। हालांकि भारत भी 1000 से ज्यादा हमारे देश में संक्रमित लोग पाए गए हैं, 137 करोड़ की आबादी में बमुश्किल 29,000 लोगों का अभी तक जांच करा पाई है सरकार। और मैं दूसरा क्रोनोलॉजी आपको बताता हूँ, जो जो कोरोना के पीड़ित लोग हैं उनका सरकार उपचार नहीं कर रही है, सरकार उनसे कहती है आप अकेले में रहिए, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर आप अपने घर चले जाएंगे। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, 60% से ज्यादा लोगों को ये किसी प्रकार का नुकसान उनको पता ही नहीं लगता, वो कोरोना से पीड़ित है। जरूर इसमें हम सब लोगों को, जो अस्वस्थ लोग हैं जिनकी ज्यादा आयु है, जो नवजात बच्चे हैं, उनको कोरोना से बचा कर रखना होगा। लेकिन हमारे देश में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में भूख के आगे कोरोना का भय उड़न छू हो रहा है। वो हम सब लोगों ने रहन बसरों में जो भोजन की लंबी कतारें लगती हैं उनको देखा होगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आपसे बहुत अच्छा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, मैं बधाई देता हूं कि निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपए देने का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करता हूं, यह योजना यूनिवर्सल होनी चाहिए, जो भी निर्माण के काम में जुटे हुए मजदूर हैं उन सब तक ये योजना पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सभी मजदूरों के, राजधानी दिल्ली में लाखों मजदूर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उन तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि सच में आप गंभीरता के साथ में कोरोना की चेन को तोड़ना चाहते हैं और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना चाहते हैं, तो खाना पकाने की बजाय तमाम जो भोजन की सामग्री और गैस की आपूर्ति की व्यवस्था आप मजदूरों को उनके ठिकानों तक कराएं, ताकि लोग अपना खाना पकाएं। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो मजदूर खाना पकाने में व्यस्त रहेगा, 24 घंटे में 3 बार खाना पकाएगा, उसका समय भी पास होगा, अन्यथा 4 महीने में, मैं ये घटना इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हमारे भारत में 6 महीने कश्मीर में जो लोग अपने घरों में कैद रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोदशा खराब कर चुके हैं। यदि जुलाई तक राजधानी दिल्ली में मजदूरों को एक ही कमरे में बंद रहना पड़ेगा तो न केवल इनका शरीर
और न केवल इनके आर्थिक नुकसान का लेकिन इनके मानसिक संतुलन का भी बिगड़ने का भय है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तमाम पहलुओं को सोचकर आप ध्यान रखें और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं मोदी जी, मन की बात के साथ साथ में जन की बात भी करते। आपने कई गलतियां की हैं, आपने भयभीत किया लोगों को कि इसका कोई उपचार नहीं होता। काश आप एक शब्द और भी बोलते कि इसका उपचार नहीं होता है लेकिन इसकी मृत्यु दर सबसे कम है, इससे मरने का भी डर नहीं है। इतना शब्द यदि मोदी जी आप बोल चुके होते तो हमारे देश में इस तरीके की भगदड़ नहीं मची होती। और मैं बाकी सब लोगों से जो मेरे सुन रहे हैं, आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पर आप लोग अपने बुजुर्ग और नवजात बच्चों को कोरोना से बचाने की ओर अग्रसर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना का वायरस है ये ऐसे कम फैलता है, ये छूने के बाद अगर कहीं किसी का कोरोना प्रभावित व्यक्ति ने थूका है या छींका है उसके बाद फैलने का भय ज्यादा होता है। इसलिए ये जो मुंह पर मास्क लगाने का जो रिवाज है, रिवाज कहूंगा मैं, इससे एक फायदा बड़ा होता है कि यदि मैं कोरोना पीड़ित हूं तो मुझे छींक आ जाए तो सामने वाले को प्रभाव नहीं कर पड़ेगा और यदि मुझे खांसी आई तो सामने वाले को तत्काल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मास्क लगाकर मैं अपने को कोरोना से बचा पाऊं, कोरोना संक्रमण से बचा पाऊं, ये संभावना कतई नहीं है। कोरोना के संक्रमण बालों में भी, कपड़ों में भी, जूते में भी, लाठी और छतरी और प्लास्टिक में भी जिंदा रहते हैं लंबी अवधि तक, ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। धन्यवाद।